आई बिलीव पीपल हैव टू फॉलो देयर ड्रीम आई डिड। मेरा मानना है कि लोगों को अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, जो मैंने भी किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जो अपने सपनों को पूरा करते करते 0 पॉइंट से उठ के आज दुनिया के 10 सबसे बड़े बिलियनेयर में से एक बने। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओरेकल कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड को फाउंडर लैरी एलिसन। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको बताएंगे उनके शुरुआती जीवन से लेके उनके संघर्ष और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड बिलियनियर बनने तक की पूरी कहानी को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 7 अगस्त 1944 से, जब इनका जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी ब्रॉन्क्स में हुआ। जन्म के समय इनका नाम लॉरेंस जोसेफ रखा गया। इनकी माँ फ्लोरेंस पेलमैन एक 19 एज्ड अनमेरिड वुमेन थी और इनके पिता इटालियन अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट आर्मी में एयरकॉप्स में पायलट थे। एलिसन की माँ उन्हें अकेले नहीं पाल सकती, इसलिए उन्हें एलिसन की आंट ने 9 महीने की उम्र में गोद ले लिया। एलिसन की आंट ने एलिसन को गोद लेने के बाद उनका पूरा नाम लॉरेंस जोसेफ एलिसन रखा। इनकी माँ लिलियन को इनसे बहुत लगाव था, लेकिन इनके पिता इन्हें कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करते थे। एलिसन की सोच दूसरों से अलग होने के कारण वह लोगों से ठीक से बात भी नहीं कर पाते। पढ़ाई लिखाई में इनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए स्कूल कंप्लीट करने के बाद वह 1 साल तक अलग अलग नौकरियां करने में लगे रहे। फिर बाद में फिजिक्स और मैथ में डिग्री लेने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एडमिशन लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही। इस बुरी परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। एलिसन को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए एलिसन ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में और भी ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बहुत सी किताबें पढ़ी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट होने के कारण इन्हें पेसिव कंस्ट्रक्शन, हाई टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग जैसे टफ सब्जेक्ट में भी बहुत इंटरेस्ट था। और 1966 में वे शिकागो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने कई सारी कंपनीज के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर बनके काम किया। और साल 1973 में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एम्पेक्स में काम करने के दौरान वे अपने फ्यूचर पार्टनर एड ओट्स और बॉब माइनर से पहली बार मिले। और फिर 16 जून 1977 में उन्होंने अपने इन दोनों दोस्तों के साथ एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज रखा। स्टार्टिंग में इस कंपनी को शुरू करने के लिए उन्होंने इस कंपनी में $2,000 इन्वेस्ट किए, और फिर बाद में इस कंपनी का नाम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरी से बदलकर ओरेकल कॉर्पोरेशन रखा, और जो आज अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनीज में एक है और ओरेकल दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। और फिर साल 2005 में एलिसन ने $10.3 बिलियन में एक कंपनी पीपल सॉफ्ट को खरीद लिया, और आज इनके पास salesforce.com, NetSuite, क्वार्क बायोटेक्नोलॉजी और एस्टेक्स फार्मास्यूटिकल जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के शेयर्स भी हैं। और आज इनकी टोटल नेटवर्थ $99.8 बिलियन है, जिसके कारण आज ये दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। और इनके पास कई सारे लाइसेंस फ्लाइंग जेट्स भी हैं, जिन्हें वह खुद उड़ाते हैं। और फिर साल 2012 में उन्होंने एक ललाई नाम का एक आइलैंड भी खरीद लिया, जो कि हवाई के 8 आइलैंड में से एक है, और ये आइलैंड 88 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। और अगर आपको लैरी एलिसन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए, तो फिर आप इनपे एक लिखी गई फेमस बुक द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड लैरी एलिसन को पढ़ सकते हैं, जिनके ऑथर है माइक विल्सन। तो दोस्तों, यह थी कहानी ओरेकल कॉर्पोरेशन के को फाउंडर लैरी एलिसन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही था, और हम आशा करते हैं कि लैरी एलिसन की यह कहानी आपको जरूर ही पसंद आई। और ऐसी ही मोटिवेशनल बायोग्राफीज देखने के लिए आप हमारा BNR मोटिवेशन चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और आज की यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।